पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि हम नई बाइक लेने जा रहे हैं 125 सीसी में, तो हम कौन सी बाइक लें। फिलहाल इस टाइम कंपटीशन चल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है, हीरो की नई ग्लैमर i3S और होंडा शाइन SP125 के बीच में। इन दोनों ही बाइकों के बीच में काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है और आप लोग भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, हीरो ग्लैमर या फिर होंडा शाइन। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों बाइक के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सी बाइक लेने जा रहे हैं तो इसे लेने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको इन दोनों ही बाइकों के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सी बाइक आपके लिए बनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बाइक है। इन दोनों ही बाइक्स में दिया गया है 125 सीसी का इंजन। ग्लैमर का इंजन 124.70 सीसी का है, वहीं होंडा शाइन SP का इंजन 124.73 सीसी का है। दोनों ही बाइक्स के इंजन की परफॉर्मेंस अलग है। ग्लैमर का इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 11.40 bhp की, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 11 Nm का। यहीं पर होंडा शाइन का इंजन अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 10.57 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करता है 10.30 Nm का। तो दोनों इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस है परफॉर्मेंस का और टॉर्क का, मगर फिर भी इन दोनों बाइकों की टॉप स्पीड सेम सी है। अराउंड 95-100 इनकी टॉप स्पीड आ जाती है स्टार्टिंग में जब आपकी बाइक न्यू कंडीशन होती है। बात करें अगर इनके ब्रेकिंग के बारे में तो होंडा शाइन में आपको फ्रंट में दिया गया 140 mm का डिस्क ब्रेक, वहीं हीरो की ग्लैमर में आपको दिया गया 130 mm का डिस्क ब्रेक। रियर ब्रेक्स दोनों ही बाइक के ड्रम्स हैं 130 mm के। होंडा शाइन और हीरो ग्लैमर के स्पीडोमीटर के बारे में भी कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है, पूछा है कि इन दोनों के स्पीडोमीटर क्या दो ट्रिप डिजिटल रिकॉर्ड करते हैं या नहीं, या कौन सी बाइक का करता है या नहीं करता रिकॉर्ड। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन दोनों बाइक के ट्रिप मीटर में आप दो डिजिटल ट्रिप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों ही बाइक्स में। ये फैसिलिटी आपको मिल रही है दोनों ही बाइक में। बात करते हैं डिज़ाइन और लुक्स के बारे में। तो डिज़ाइन और लुक्स में हीरो ग्लैमर i3S थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी और एक अट्रैक्टिव लुक देती है अगर देखा जाए होंडा शाइन के कंपैरिजन में। बात करें अगर इनके राइडिंग कंफर्ट के बारे में तो सिटी राइड के हिसाब से आपके लिए होंडा शाइन बेस्ट बाइक है, और लॉन्ग ड्राइव और या हाईवे ड्राइव्स के बारे में बात करते हैं तो हीरो ग्लैमर i3S थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। टायर साइज की बात करें तो दोनों ही बाइक्स का टायर साइज सेम है, 18 इंच के इसमें आपको टायर मिलते हैं। हीरो ग्लैमर i3S का रियर टायर साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो कंफर्ट और रिलायबिलिटी के हिसाब से ग्लैमर और शाइन दोनों ही बेस्ट बाइक हैं। सर्विसिंग और वैल्यू फॉर मनी की अगर बात की जाए तो इस हिसाब से हीरो की ग्लैमर ज्यादा बेहतर है होंडा शाइन से, क्योंकि होंडा के काफी यूजर्स का कहना है कि होंडा शाइन की सर्विसेज के टाइम पर थोड़ी दिक्कत आती है, सर्विस टाइम में टाइम ज्यादा लगता है या फिर वो दूसरे सर्विस सेंटर पे विजिट करने के लिए कहते हैं। तो अभी तो हमने बात की इन दोनों बाइकों के इंजन के कंफर्ट के बारे में, इन दोनों बाइक के इंजन के बारे में, इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में, राइडिंग कंफर्ट और रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इन दोनों बाइकों के प्राइजेस के बारे में। प्राइजेस अगर आप देखें तो फिलहाल हीरो ग्लैमर i3S ड्रम वेरियंट के प्राइस मेरठ में 68,900 रुपए है, वहीं इसके डिस्क वेरिएंट का प्राइस 71,050 रुपए है। बात करें अगर होंडा शाइन के प्राइसेस के बारे में तो होंडा शाइन के ड्रम वेरिएंट का प्राइस 69,700 रुपए है और इसके डिस्क वेरिएंट का प्राइस 72,450 रुपए है। ये प्राइसेस अप्रोक्स हैं, प्राइसेस आपके सिटी और स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे। प्राइसेस के अगर हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही बाइक के वेरियंट्स में 2,000 से 2,500 रुपए का डिफरेंस है। इसी वजह से वैल्यू फॉर मनी अगर कहा जाए तो वैल्यू फॉर मनी बाइक होगी हीरो की ग्लैमर i3S। तो इन दोनों ही बाइक के बारे में हमने काफ़ी बात की, आप जान ही गए होंगे कि इन दोनों बाइक में से आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों में से कोई सी भी बाइक लेने जा रहे हो तो उस बाइक को लेने से पहले आप उस बाइक की एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बाइक बनी है। और आप इन दोनों बाइक्स के बारे में कुछ और जानना चाह रहे हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल आपने अगर अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस डेली डालता हूँ। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।